श्री वाहे गुरु साबित तुम हर जानो हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर संग की रे हम थापे तन तन गुरु नानक तन तन गुरु नानक जन के जित मिलिए छूपे सब सोग संसापे पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता तू
मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा राजा, सब के हारियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा तुझे उपाय जित जित पाना तित तित लाए जी जंत सब तुझे उपाय जित जित पाना तित तित लाए सब तू है मेरा माता।
बाबा आनंद सिंह जी महाराज भोरे में बैठकर सिमरन कर रहे हैं। बाहर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे दर्शन करने हैं, मुझे बेनती करनी है बाबा जी को। पहरेदार रोक रहे हैं, भाई बाबा जी सिमरन में बैठे हैं, इस वक्त मिलने का वक्त नहीं है। पर वो चिल्ला रहा है कि बाबा जी मेरे गांव के हैं, प्यार से बोलिए धन गुरना, मुझसे कैसे नहीं मिलेंगे। बाबा जी ने उसकी आवाज सुनी, इशारा करके अंदर बुला लिया। जैसे ही अंदर आया जोर जोर से रोने लगा। महापुरुष बाबा आनंद सिंह जी पूछने लगे, भाई रो क्यों रहा है, वजह तो बता, वजह बता क्यों रो रहा है। कहने लगा, किस्मत इतना साथ छोड़ गई है कि जिस भी काम में हाथ डालता हूं वो खराब हो जाता है, अगर सोने को हाथ डालता हूं तो मिट्टी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरनान। अभी अभी एक गाय खरीदी, बड़ी मुश्किल से, बड़ी महंगी गाय, उसने भी दूध देना बंद कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरनान। अब कृपा करो, बच्चे दूध को तरस गए। ये पुराने जमाने की बातें हैं साध संगत जी, घर घर में लोग गाय रखते थे। कहने लगा, बड़ी मुश्किल से गाय खरीदी है पर अब वो दूध नहीं देती। बाबा आनंद सिंह जी महाराज पहला सवाल किया, नित्यनेम करते हो, प्यार से बोलिए धन गुरनान। वो कहने लगा, सारा परिवार नित्यनेम करता है। बाबा जी ने दूसरा सवाल किया, क्या गुरु के घर के लिए दसवंध निकालते हो। कहने लगा, बाबा जी आपका हुक्म है, हम दसवंध जरूर निकालते हैं। अब बाबा जी ने अंतर्यामता से जान लिया कि क्या बात है। प्यार से बोलिए धन गुरनान। महापुरुष वचन किया करते थे कि अंतर्यामता हर बार नहीं इस्तेमाल की जाती है, हर बात के लिए अंतर्यामता नहीं इस्तेमाल करते महापुरुष, क्योंकि हर एक के हृदय में कचरा भरा पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। वो देखना पड़ता है जब अंतर्यामता इस्तेमाल करो। कई बार जब सब कुछ ठीक हो फिर भी समझ ना आए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब महापुरुष अंतर्यामता इस्तेमाल करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। तो कहने लगे बाबा आनंद सिंह जी महाराज के घर में माता पिता भी हैं। कहने लगा, पिताजी का तो देहांत हो गया है, माता है। बाबा जी ने पूछा, उसकी सेवा करते हो, माता की सेवा करते हो। कहने लगा, सेवा क्या करनी है, एक कमरे में बैठी रहती है, दो रोटियां डाल देते हैं, उसे दे देते हैं खाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। बाबा जी कहने लगे, दो रोटियां तो लोग कुत्ते को भी डाल देते हैं। मैंने पूछा, सेवा करते हो, कभी माता के पांव दबाए हैं, कभी उनके पास बैठकर दो मीठे बोल बोले हैं, कभी उनका दुख सुख साझा किया है। कहने लगा, बाबा जी मन तो करता है कई बार, पर मेरी घरवाली इतनी स्वभाव की सख्त है कि माता के पास जाने ही नहीं देती, खुद भी सेवा नहीं करती, मुझे भी करने नहीं देती। घर से बोलिए धन गुरनान। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे, घर में है तेरे सब कुछ, तेरे सुखों की चाबी तेरे घर में है, संतों के डेरों पर क्या लेने आया है। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। जाकर माता की सेवा कर, तेरे भागों की चाबी उसके हाथ में है, अगर उसके दिल से आशीष निकल गई तेरे रुके हुए सारे काम चल पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरनानक। अरे घर में माता है, माँ, आज मदर्स डे है। प्यार से बोलिए धन गुरनानक।
माँ, ये प्रकरण शायद पहले लिया कई लोग सुना होगा, कई लोग नहीं होंगे। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, जाकर घर के घर में माता की सेवा कर, सेवा। संतों के डेरे पर क्या लेने आया है, चाहे कितना भी नाम जप ले, चाहे कितना भी दान कर ले, दसवन छोड़ के अपना सारा का सारा धन दान कर दे, अगर माता की सेवा नहीं करेगा तो कोई सुख प्राप्त नहीं करेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरनाथ। कहने लगा, क्या करूं, मेरी घरवाली नहीं मानती। बाबा जी कहने लगे, घरवालियों को दूध प्यारा होता है, जाकर समझा, मान जाएगी। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन मानकर घर में गया। घरवाली पहले ही वेट कर रही थी, कहने लगी, बाबा जी ने क्या कहा। वो कहने लगा, मैं तुझे बताऊंगा नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं, तू मानेगी नहीं तो बताने का क्या लाभ। घरवाली कहने लगी, अब बताओ तो सही, बाबा जी ने क्या कहा। चंदन सिंह कहने लगा, बाबा जी ने कहा है कि माता की सेवा करो, और तू क्या सेवा करती है, मुझे भी नहीं करने देती, उल्टा कई बार डांटने की आवाज़ें आती माता। बाबा जी ने वचन किए हैं कि अगर आज सिर्फ मन बना लो कि हम सेवा करेंगे माता की, आज अभी गाय दूध दे देगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उसकी घरवाली को एहसास हुआ अपनी गलती का, उसने उसी वक्त मन बनाया, अरदास की कि माता की सेवा करेंगे दिल से, और गाय के पास जाकर बैठे, गाय ने 10 शेर दूध उसी वक्त दे दिया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पहला कटोरा भरकर चंदन सिंह अपनी माता के पास लेके गया। माता कहने लगी, बेटा आज तक तो तूने पानी नहीं पूछा, आज दूध लेकर आया। कहने लगा, माता मुझसे भूल हो गई, बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने रास्ता दिखाया है, महापुरुषों ने रास्ता दिखाया है कि माता की सेवा सर्वप्रथम है, गुरु से भी पहले माता। प्यार से बोले, धन गुरु नानक। माता पिता दोनों। एक बात एकदम अच्छे से समझ लें, आज के जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, चाहे पूरा दिन गुरुद्वारे में सेवा कर लो, चाहे पूरा दिन पाठ में बैठे रहो, अगर माता की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनका हृदय दुखाते हो, कोई लाभ नहीं। ये स्पष्ट कह देता हूँ मैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, गुरबानी कह रही है, और महापुरुष इस बात को प्रमाणित करते हैं। जहाँ जहाँ भी गुरु के बारे में, स्वभाव के बारे में बात आई है कि गुरु कैसा है, गुरु का स्वभाव कैसा है, वहाँ वहाँ माता पिता का उदाहरण दिया गया है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता हैं, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई ये सोचे कि मैं माता पिता का सत्कार ना करूं और पूरा पूरा दिन सेवा करूं, पूरा पूरा दिन नाम जपूं, कुछ नहीं होगा, झक मारने वाली बात है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। एक तरफ माता की सेवा कर लो, उसे प्रसन्न कर लो, कोई पुण्य, कोई जप तप, कोई सेवा करने की जरूरत नहीं। ये वचन बाबा आनंद सिंह जी महाराज के। कहने लगे, पुत्र अपने माता पिता के आगे 3 भ पढ़ ले। 3 भ, भ का मतलब पहला भ बब्बा भला जी, अगर वो कुछ भी कह दें ये काम करने के लिए ठीक है जी। बब्बा भाणा जी, वो ऐसा कुछ कर दे जो तुझे पसंद नहीं है तो भी भाणा मान, ठीक है। और अगर तुझे डांट दें तो भूल हो गई जी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जिसके पल्ली में ये 3 भ हैं बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, ना उसे कोई जप करने की जरूरत, ना उसे कोई तप करने की जरूरत। वो क्या भगवान के दर्शन मांगेगा, भगवान ऐसे आदमी के दर्शन करने खुद आता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अपने माता पिता का सत्कार करो, आज की पीढ़ी नहीं करती। अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे सारी जिंदगी में, हासिल कर भी लिया खुशी नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि जो सुख है ना वो पदार्थों में नहीं है। सबको पता है कि पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जो सुख है वो माता की आशीष में है। अगर माता की आशीष, बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन हैं, अगर माता के हृदय से आशीष निकल जाए तो पुत्र को कहीं तक भी पहुंचा सकती है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक।
जो बनाना चाहे उसे बना सकती है। माता के हृदय से वो आशीष निकल जाए, आशीष अपने आप निकलती है, मांगने से नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग आते हैं, बाबा जी आशीष दो, हाथ घुमाओ, ये वो ये सब पता नहीं क्या है यहाँ पे। आशीष तो हृदय से निकलती है। जब कोई बात मानता है उसे कहो भाई ये तो सेवा संभाल, और जब देखते हैं इतने हृदय से वो दिल से सेवा कर रहा है, अपने आप अंदर से आशीष निकलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता पिता का सत्कार। जिस दिन दास ने यह टॉपिक लिया था ना, ये लाइव चला था पूरी दुनिया में, तो मुझे कम से कम कितने दिनों तक एक सवाल आता रहा मोबाइल पे एसएमएस के जरिए, बहुत लोगों का सवाल कि ठीक है माता पिता को भगवान करके माने, माता पिता भगवान है, भगवान से भी पहले, पर अगर यही माता पिता अमृत वेले जाने से रोकें, यही माता पिता नाम जपने से रोकें, तो क्या ऐसे माता पिता की भी बात माननी चाहिए? घर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सवाल कई लोगों के मन में है। गुरु मेहर करे, दो पंक्तियाँ पढ़ते हैं, फिर गुरु नानक पातशाह इसके बारे में क्या कहते हैं, बहुत प्यारा जवाब दिया है, उसके बारे में विचार करेंगे। नाम ते आए पिता अगर गुरुद्वारे में जाने से रोके, माता पिता अगर अमृत वेले जाने से रोकें, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अमृत वेला क्या है, तो क्या माता पिता की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात का जवाब गुरु नानक पातशाह के इतिहास से मिलता है, गुरु नानक पातशाह के जीवन से मिलता है। गुरु नानक पातशाह को उनके पिता रोकते हैं कि जाकर दान मत कर। गुरु नानक पातशाह के पिता गुरु नानक पातशाह को रोकते हैं कि भाई तू अपना कारोबार कर, तू क्या दान करता रहता है? पर क्या गुरु नानक पातशाह रुक गए? घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 20 रुपये दिए कारोबार करने के लिए उस जमाने में, आज के जमाने में पता नहीं कितने होंगे, वो कितने लाखों होंगे। 20 रुपये का जाके लंगर करा है, साधुओं को खिलाए, आए वापस पिताजी ने थप्पड़ मार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है, अगर माता पिता को नहीं ज्ञान सही और गलत का, अमृत वेले आने से रोकते हैं, अगर वो थप्पड़ भी मारे सह लो, गुरु नानक पातशाह ने आगे से जवाब नहीं दिया कभी और अपना रास्ता भी नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह शिक्षा है, ये नहीं कि पिता को गालियां वालियां देकर यहाँ पर आ जाओ,
कि अमृत ले जाने से रोकते हो। गुरु नानक पातशाह ने जवाब नहीं दिया थप्पड़ का, सर झुकाया, चुप रहे, क्योंकि पता है पिता गलत हैं, पर अपना सही रास्ता भी नहीं छोड़ा, करते वही रहे जो सही था, पर पिता के आगे कभी जबान नहीं खोली, प्यार से बोले धन गुरु नानक। ये है रास्ता कि माता पिता अगर सही काम करने से रोकें, जो गुरु कह रहा है सही है, वो काम नहीं छोड़ना, पर माता पिता का सत्कार पूरा रखना है, उनके आगे कभी आंखें भी नहीं उठाकर देखना, जवान की तो बात ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अगर इस प्रकार आए तो करने का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूँ साथ संगत जी, मैंने पहले भी एक बार कही थी, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन हैं, अपने जिम्मेदारियों से भागकर अपने माता पिता को परेशान कर जो गुरुद्वारे में आके सेवा करते हैं उसका कोई लाभ नहीं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके घर वालों को प्रसन्न कर, यहाँ पर आके अगर थोड़ी देर भी सेवा करते हो तो वो गुरु को परवान है। हंसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई अपनी जिम्मेदारियों से भागकर घर वाले परेशान रहें और वो पूरा पूरा दिन यहाँ बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं, बैलेंस करके चलने वाली बात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरु को देना है पर अपनी जिम्मेदारियों से भाग करने, माता पिता का पूरा सत्कार रख के फिर यहाँ पर आकर अब जो थोड़ा समय भी बिताएंगे वो भी गुरु नानक के चरणों में परवान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो आज मदर डे के दिन मन ही मन सब बच्चे जितने बैठे हैं वो प्रण करें कि कभी अपने माता पिता के आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। अगर वो डांटे समझ में ना आए तो वहाँ से चले जाओ, हट जाओ, चुप कर जाओ, पर कभी बोलना नहीं आगे से, उनका हृदय नहीं दुखाना किसी भी वजह से, क्योंकि अगर हृदय दुखा दिया कई जन्मों का किया हुआ जब तब खाक हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू मेरा पिता तू है मेरा माँ, तू मेरा बंधन तू मेरा प्राण, तू मेरा पिता तू है मेरा माँ, तू मेरा बंधन तू मेरा बंधन तू मेरा प्राण,
प्राण।